चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700-49-75। बरहड़िया विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी बच्चा पांडे और श्याम बहादुर सिंह को टक्कर दे रहे डॉक्टर अशरफ अंसारी। डॉक्टर अशरफ अंसारी लगातार जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। डॉक्टर ने कहा कि वर्तमान विधायक सहायक बहादुर सिंह जनता के बीच कम और दारू ऑर्केस्ट्रा और नशे के बीच ज्यादा रहते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चा पांडे पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं डॉक्टर अशरफ अंसारी ने क्या कहा। विकास का मुद्दा रहेगा, सब आदमी यहाँ त्रस्त है। अगर पहले जो समय गुजरा है तो उस समय में हमारे पूर्व विधायक महोदय जो हैं वो या वर्तमान विधायक महोदय जो हैं उन्होंने यहाँ विकास के नाम पर किया ही क्या है, कुछ नहीं किया है। सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग आए हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के और विकास गिनवाते हैं हमेशा अपने आप। ये सरकार में रहने वाले लोगों की आदत होती है या जो नेता होता है उसकी आदत होती है। जो करता है उसका विकास जनता के नज़रों में रहती है, वो देखता है, जनता देखती है उसको। आज जो नहीं करता है वो भी दिखता है। तो जनता तो आज कह रही है कि अभी जो वर्तमान विधायक महोदय हैं वो कुछ नहीं किया है। वो तो चर्चा में रहते हैं, किस वजह से चर्चा में रहते हैं सब बता। अब तो वजह सबको पता है, आखिर वो नाच गान करते हैं, डांसर के साथ डांस करते हैं, ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा में रहते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते हैं। अगर जनता के बीच में देखिएगा तो उसमें भी जहाँ पांच आदमी दारू का अड्डा होगा, जहाँ ताड़ी का अड्डा होगा वहाँ मिलते हैं। सर, डॉक्टर हैं और राजनीति की तरफ आप मिले हैं तो किस मुद्दे से लेकर आप आए हैं? ये जो मैं डॉक्टर हूँ, मैं एज ए चिकित्सक लगभग 12 वर्षों से यहाँ की जनता का सेवा करते रहा हूँ और सेवा ही मेरा धर्म है। हम अपने सेवा के तहत चाहते हैं कि और जनता को चारों दिशाओं में एकदम बृहद पैमाने पे जनता की सेवा किया जाए। इस उद्देश्य से मैं यहाँ राजनीति की तरफ जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जनता की सेवा करूँ। देखा जाए कि पिछली बार लोजपा से यहाँ पे बच्चा पांडे आए थे और इस बार आरजेडी से आ गए हैं, 5 साल में कितना घूमे हैं बरहड़िया में? देखिए, पिछली दफा भी वो आए थे तो अचानक कूद करके टिकट लाए थे, लोजपा से टिकट खरीद के लाए थे, उस समय भी जनता ने कहा था और आज भी जनता कहती है। उसका कोई हमारे पास आधिकारिक प्रमाण नहीं है लेकिन जनता की ही आवाज़ में बोल रहा हूँ,
कि आज भी जनता कहते हैं कि बाबा ने टिकट खरीद के लाया है, और जनता इस हालात में आरजेडी प्रत्याशी को कबूल करने नहीं जा रही है। जनता उन्हें ना कबूल करेगी ना वोट देगी। जब वो पैसा से टिकट खरीदे हैं तो जनता से ही उसे लेंगे, तो ये जनता इस बात को जानती है कि वो पैसा उसे लेंगे, इसलिए तो उन्हें नहीं चाह रही है किसी अच्छे विचार वाला अच्छी छवि वाले जनता प्रत्याशी को ढूंढ रही है। आपका बढ़ रही है, तो किस तरह से बदलना चाहते हैं? बस आने दीजिए, जिस तरह से मैंने चिकित्सा जगत में बढ़रिया को बदल के रखा है, एजुकेशन में भी मैंने बदल के रखा है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ डॉक्टरी करने आया था उस समय मैं यहाँ पे आईएससी का कोचिंग खोला, लगभग मैंने 8 साल तक कोचिंग चलाया। उसके बाद से मेरा रेगुलर का नौकरी हुआ तो मजबूरी में कोचिंग बंद कर दिया। मैंने पहली दफ़ा यहाँ आईएससी का कोचिंग चलाया और यहाँ के सभी विद्यार्थी पूरे पढ़रिया ब्लॉक यहाँ बहुत दिल से पढ़े, भीड़ लगी और हम छोड़े। उसके बाद से आज के डेट में पढ़रिया इस मार्केट में हमको लगता है कि नहीं हो तो 5-6 आईएससी के अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो मैंने एजुकेशन में एक अच्छा नींव रखा है यहाँ पर, शिक्षा में और हेल्थ में की बात है, स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में भी यहाँ पक्का नियम था कि कोई भी पेशेंट आया उसको 4 को दवाई लिख दीजिए, सुई लिख दीजिए, 500 ले लीजिए, सीमा रेफर कर दीजिए। लेकिन जब से मैं आया हूँ तो हेल्थ में भी यहाँ पेशेंट को स्टेबिलिटी दिया हूँ। एक से एक सीरियस पेशेंट आता है, उसके साथ आदमी लग भिड़ के उसका इलाज करता है, उसको ठीक करके घर भेजता है, ये नहीं कि उसको रेफर कर दिया। ठीक इसी तरह से एक नया आयाम आएगा जब मैं राजनीति में आऊँगा, तो एक नई दिशा की तरफ ले जाऊँगा और नई दिशा में ले जा करके यहाँ का विकास करूँगा। हर एक चीज़ बदला बदला सा नज़र आएगा, वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। किस तरह से आपको समर्थन मिला? जनता के बीच में जाने के बाद जनता, मैंने देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जिस गाँव में एंट्री मारता हूँ उस गाँव का बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक हमको बहुत करीब से जानता है, तो वो यही कहता है कि डॉक्टर साहब आपको क्या कहना है। 100 में 100 आदमी इस बात को कहता है कि जो हम लोगों के साथ रहा, हम लोग का सेवा किया, सुख दुख में आज रहे और वोट देने के लिए दूसरा आज दूसरे को दे दें, सुख दुख में जब मैंने रहा तो वो वोट हम ही को देंगे, इस तरह का हमको बात मिलता है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग क्या समस्या तरह देखने को मिल रही है? अब क्या बताएं, लगातार लोगों के बीच में जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या तो ये दिखती है कि हर एक घर में भुखमरी लगी हुई है, पैसे की कमी है, अर्थात रोजगार नहीं है। सभी नवयुवक बाहर से चले हैं कोरोना में घर में, अगर सरकार रोजगार दी होती तो आज मरना नहीं होता। सड़क की स्थिति क्या कहना है, वो ये तो अलग अलग कहिएगा तो हर एक स्थिति में बुरा हाल है। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। आज लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ये दवा ठोकते हैं कि मैंने विकास किया है। अरे किस विकास की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? एक रोड जो बनने वाला था आपको बोधगया से लेकर के यहाँ गोपालगंज हाईवे तक, तो ये रोड 15 साल में पूरा नहीं हो सका। आप क्या बात कीजिएगा, कितनी शर्मनाक बात है। ये 4 लेन की रोड थी, सरकार 2 लेन के लिए काम शुरू किया, वो भी पूरा नहीं हो सका। जनता 3 बार चुनी है, क्या सोच कर? यही सोच करके चुनी है कि नीतीश कुमार अपने आप को विकास कुमार कहते हैं और अब तक कुछ विकास हुआ नहीं। जिस दूसरे राज्य में आप जाइए तो जहाँ 8 लेन 6 लेन की सड़कें दौड़ रही हैं, वहाँ अपने यहाँ अभी सिंगल लेन की सड़क दौड़ रही है और इतना डेंस पॉपुलेशन है जिसका कारण हर एक चौराहे पे जाम होता है। आप अपने इरादे के मुताबिक कभी भी अपने मंजिल को नहीं पहुँच सकते हैं, कहाँ जाम लग जाएगा, कहाँ रोड को लोग ब्लॉक कर देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। इसमें बदलाव होगा, एकदम श्योर बदलाव होना है और विकास का बदलाव होगा। दारू बंद है, फिर भी दारू पीते हैं ये? बिहार में दारू बंद है, यही तो सबसे बड़ी बात है। पूरे बिहार में दारू बंदी है और हमारे बढ़रिया विधानसभा में हमारे विधायक महोदय सब जगह दारू खुले हुए हैं। बढ़रिया विधानसभा में सबसे अधिक अगर विकास हुआ है तो दारू के क्षेत्र में विकास हुआ है। खुद विधायक महोदय अलग अलग पीओ ऑफिस बनाए हुए हैं जहां पर खुद दारू पीते हैं और वहां के नवयुवक बच्चों को पिलाते हैं। जनता जो है एकदम त्रस्त है, गार्जियन त्रस्त है कि बच्चे इतने दारू के आदि कैसे हो गए। सभी नवयुवक दारू की तरफ चले गए रोजगार छोड़ छोड़ के। उसके बाद से क्या है कि यहाँ पर बिहार में दारू बंद है और इतना विकास की तरफ बढ़ा कि पहले दारू किसी भट्टी में मिलता था, अब दारू घर घर में मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, यही सब विकास हुआ है यहाँ का। बढ़रिया की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जनता हर एक चीज़ को जान गई है। आज के इस चुनाव में 2 पार्टियाँ हैं, एक JDU है और दूसरा RJD है। तो JDU के को एक तरफ मानिए, दूसरे तरफ RJD को मानिए, तो एक तरफ खाई है तो दूसरे तरफ गड्ढा है, जनता जाएगी किधर? उसी दोनों के बीच में मैं हूँ और जनता मुझे दोनों के बीच से निकाल रही है और मैं
वोट ले रहा हूँ जनता का। जनता से मुझे अपील है कि जनता किसी के बरगलावे में ना आए, किसी के उल्टा सीधा समझावे में ना आए, न पार्टी पे जाए और न ही किसी जातिवाद पे जाए। जनता निष्पक्ष वोट करे डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब यहाँ से विधायक बने, जनता का विकास करें। आज आप कहाँ का क्षेत्र में? आज रोज़ प्रतिदिन करीब 7-8 गाँव में दौरा होता है। अभी तो आज पड़ोसी के गाँव में मैं घुमा हूँ, तो परसवा टोला, सफ़ेद चपरा, मुर्गिया टोला, अटखंबा, फिर दोपहर के बाद हम लोग निकलेंगे, भ्रमण होगा।